अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आपको और आपकी फैमिली को हम तीनों की तरफ से ईद उल अधा मुबारक हो। ईद मुबारक हो। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग? आज वीडियो हम शाम से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि दिन भर मैं भी थोड़ा बिजी था, क्योंकि आज ही हमने हमारा जो बिज़नेस का पहला वीडियो था वो अपलोड किया था। तो बहुत सारे ऑर्डर भी आ रहे थे, इंक्वायरी आ रहे थे, तो उनको रिप्लाई करते हमारा आधा दिन उसी में चला गया। और आज मैं रोज़ा भी था तो काम भी बहुत थे। देखिए ये ना, और अभी इफ्तार का टाइम हो गया है, बस अभी हाफ एन आवर बाकी है इफ्तार में। तो फरा अभी मेरे लिए इफ्तार में कुछ बना रहे हैं, पता नहीं क्या बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोला नहीं। तो ठीक है, इफ्तार होने के बाद हम सोच रहे थे कि थोड़ा बाहर जाएंगे ईतन की शॉपिंग करने के लिए, लेकिन 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 बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। थोड़ा रुक रहा है फिर वापस आ रहा है। हम जैसे ही प्लान कर रहे हैं बाहर जाने का, उसमें बारिश आ रहा है, फिर हम कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन अभी तो रुक गया है, देखते हैं इफ्तार होने के बाद अगर रुकता है तो जल्दी से जाके ईतन के लिए हमारे कुछ लेकर आते हैं। ये आज देखे नई गाड़ी हमने आज ही निकाले थे, और ये लड़के ने ना तोड़ भी दिया गाड़ी को, ये देखे। हाँ, क्या क्या चाहिए, क्या चाहिए ईजान को? हाँ, अरे 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 अरे, गिरोंगे ईजान। चलो गाड़ी लेके आओ, गाड़ी लेके आओ। किधर है ईजान की गाड़ी? देखिए सब जगह उसके खिलौने पड़े हैं, यहाँ पे, वहाँ पे, देखिए वहाँ पे, वहाँ पे गाड़ी, वहाँ पे गाड़ी। ये बड़ी गाड़ी के पीछे तो हमेशा रहता ही। अभी ये आज हमने निकाले थे, इसको भी तोड़ दिया उसने। उधर उधर नहीं जाने का ईजान, इधर आ जाओ, चलो इधर आ जाओ। यहाँ पे इफ्तार की तैयारी चालू है। क्या बना रहे फराब? बटाटे के भजिए। अच्छा, ये कितने छोटे और कितने कम बटाटे इन्होंने काटे, क्योंकि उनको पता है कि अभी कोई खाने वाला नहीं है मैं। और आज तो आपको ऐसे कुछ लग रहा है रमजान के जैसे, जैसे इफ्तार के टाइम और इफ्तार की तैयारी करते थे? हाँ हाँ, मुझे तो लग रहा है बाबू। हाँ, आपको नहीं लग रहा है तो क्या हो, कम ही बनाओ फराब। और ये देखो फरा, बारिश तो अभी थोड़ा रुक गया, लेकिन बादल देख के तो ऐसे लग रहा है कि शाम में आएगा, बट अगर नहीं आता है ना तो हम जाएंगे। हाँ, देखिए ये बच्चा मेरे पीछे यहाँ पर भी आ गया, और यहाँ पर कुछ ना कुछ चाहिए उसको, हाथ में है ना, कुछ ना कुछ चाहिए ना आपको। हाँ, लो इधर हो, दे दो। ये अरे देखिए, देने का स्टाइल हमारे ईजान का, लेकिन कुछ भी मांगे ना तो देता है वो, है ना ईजान? तो कैसा अच्छे लग रहे हैं ना ये? मुझे इससे अच्छी ये पेंट। ये देखो ये बच्चा उसको पूरा हिला रहा है। तो अभी हम आ गए हैं इफ्तार के बाद में ईजान की शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि बारिश नहीं आया था तो हमने सोचा चलो ईजान के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हैं। लेकिन ये बच रहे कैसे इसको खींच रहा है ईजान, नई मोबाइल से नहीं करते। और फारा को ये वाली पैंट बहुत पसंद आई है, और ईजान के साइज की है। और भी हम दूसरे जीन्स वगैरह देख रहे हैं। हाँ, ये वाले अच्छे लग रहे हैं, ले लो। अस्सलामुअलैकुम फरा, अभी जस्ट आ गया मैं नमाज पढ़ के, जल्दी हो गई रे नमाज। और देखिए, मुझे ऐसा लग रहा था कि आज भी कहीं बारिश ना हो, बादल तो आए हैं लेकिन अल्लाह के फजल से आज बारिश नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों की कुर्बानी रहती है, बाहर घूमना रहता है, गोश्त सभी एक दूसरे को बांटना रहता है ना, तो अच्छा है आज बारिश नहीं है। तो आपकी नमाज हो गई? हाँ। चलिए अच्छी बात है। तो अभी आप क्या बना रहे हो? तुम लोग को चाय रोटी चलेंगे, और खाना तो अपन उधर जा रहे हैं आज। जब से हम यहाँ पे जाके आए ना, ये बच्चा ना ये वीडियो का पूरा एड़ा हो गया है। ये देखिए उसका बैठने का स्टाइल, देखिए देखने का स्टाइल, देखिए कुछ भी नहीं करता है, पूरा व्लॉग आराम से बैठ के देखता है, और फिर हमें जिद करता है। जैसे ही ये ख़त्म होता है ना तो फिर बोलता है कि वापस से लगाओ, वापस से लगाओ। तो अभी ये व्लॉग ना ईजान के लिए ही है, ईजान ही देखता है और शांत बढ़ता है। अगर रोने भी लगा, अगर लगा के देंगे ना तो चुप बढ़ता है। देखिए अभी ये यहाँ से उठेंगा नहीं जब तक ये ख़त्म नहीं होगा। ये माशाल्लाह, देखिए हमारा ईजान कितना प्यारा लग रहा है, रुको इधर पटानी देखिए उसको कितनी अच्छी लग रही है, ये बैठ गया। अरे ये देखिए, क्या फरा क्या बोल रहे थे आप? पटानी बड़ा हो रहा ना उसको, हमको लगा था क्या बकरी तक आएगा उसको, उसके पप्पू ने लिए थे ये पटानी। हाँ, हमें लगा था कि बकरी तक आए जाएगा, रमजान में लिए थे, लेकिन उस टाइम भी बड़ा लग रहा था, लेकिन अभी भी बड़ा लग रहा है। फिर भी हमने देखे पहना दिया, इसको कितना बड़ा लग रहा है ना ईजान। ईजान इधर देखो, इधर देखो, ईजान इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, पाइचे ऊपर करना जरा।
कितने बड़े दिख रहे हैं। अरे भाग रहा है देखिए कब से, ते बड़े कपड़े पहन के भाग रहा है। ये इजाद अच्छा लग रहा है फरा, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है पटानी में। थैंक यू, बोल फुप्पू को थैंक यू। बोलो इजान इधर बोलो, देखो फुप्पू ने दिए ना, बोलो फुप्पू को थैंक यू फुप्पू। बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा। चलो अभी फुप्पू के घर पे जाना है, फुप्पू को दिखाना है ना कि इजान ने देखो पटानी पहना। चलो जल्दी चलो, चलो फरा हम भी रेडी होते हैं, 2:30 बज रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सभी को ईद मुबारक हो। हम दोनों की तरफ से नहीं, हम तीनों की तरफ से, फरा आने के बाद वापस से हम एक बार बोलेंगे, हम दोनों हो गए हैं रेडी। कल देखे ना ईजान के लिए, ईजान के लिए पटानी था ऑलरेडी लेकिन हम भूल गए थे। ये उसकी फुप्पू ने ना रमजान में ही लिया था, लेकिन ये बहुत बड़ा हो रहा था इस वजह से हमने उसको नहीं पहना। हमने सोचा कि बकरीद तक ना ईजान थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन ईजान को तो ये पटानी ही लंबा हो रहा था, लेकिन हमने पहना दिया। माशाल्लाह इसमें भी ईजान बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने पहले वाला ही पहना है मेरा, क्योंकि उतना टाइम मिला नहीं है, क्योंकि बिजनेस का जो हम सेटअप कर रहे थे ये इसमें भी हमारा बहुत ज्यादा टाइम जा रहा था। उसमें बारिश ने भी पूरा मूड खराब कर दिया था। कोई बात नहीं, ये एक ही दिन पहना था मैंने ईद के दिन, उसके बाद आज पहन रहा हूँ। और बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि आप लोग कुर्बानी नहीं करते, कैसे नहीं करते, हम भी कुर्बानी करते हैं, इतना ही कि हम बकरा नहीं लाते, हम हिस्से लेते हैं। इस बार मैंने 2 हिस्से लिया है, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग मुझे पूछ रहे थे, और ये ब्लॉग में भी यही कमेंट आने वाले थे, तो मैं सोचा इससे पहले मैं आप सभी को बता दूँ। रितेश आवाज मत कर। तो इससे पहले मैं सोचा आप लोगों को बता दूं कि मैंने इस बार 2 हिस्से लिए थे, और एक हिस्सा जो रहता है हमने वहीं पर, सुबह से मैं गया था उसी में, पता है क्या, नमाज वमाज पढ़ के सब वही करके मैं आया घर पे। एक हिस्सा जो रहता है वो गरीबों में तकसीम हो गया। मैंने सुना था कि 2 हिस्से, हमेशा तो 1 हिस्सा लेते थे, लेकिन इस बार मैंने 2 हिस्से लिया, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने एक चीज़ सुना था कि जो हमारे नबी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके नाम पर भी कुर्बानी करनी चाहिए, क्योंकि कैसे रहता है उनके नाम पे जो कुर्बानी का, जितना आपकी हैसियत हो, जितना आपके पास ताकत हो, उतना या तो आप हिस्सा लो या फिर बकरा लो, या हमारे नबी के नाम पे भी कुर्बानी दे सकते हैं। उसका फायदा ये है कि मैंने सुना था जो भी नबी के नाम पे कुर्बानी करता है, उसका गोश्त जो हम बांटते हैं, तकसीम करते हैं, अगर वो गोश्त कोई गुनहगार शख्स के मुंह में गया, तो उसकी बरकत से अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ करते हैं। माशाल्लाह कितनी अच्छी बात है ना। तो मैंने इस बार मैंने भी नबी के नाम पे भी एक अलग से हिस्सा लिया था, तो वो हो गया एक, अभी घर पे आया हूँ। पर इंशाल्लाह हमने भी सोचा था कि इस बार बकरा लेंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं, पर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम जरूर कोशिश करेंगे बकरा लेने की। हाँ हाँ ईजान, तो अभी हम जा रहे हैं मेरे बहन के घर पे, वहाँ पे दावत है, फरा रेडी हो रहे हैं, वो जैसे रेडी होते हैं फिर हम निकलते हैं। देखिए कुछ बच्चे आए हैं ईजान को ईद मुबारक मिलने के लिए। ईजान ये देखो कौन आए हैं, भैया आए ना, ईद मुबारक मिलो, चलो मिलो ही मुबारक, चलो हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ भाई को, हाथ मिलाओ, चलो ईजान ईद मुबारक। ईजान तो अपने इसमें ही है, ये ना बच्चे ईजान के साथ खेलने आते हैं, तो उनको पता है कि आज हमारी ईद है, तो देखो वो भी ईजान को मिलने आए हैं, लेकिन हमारा ईजान देखे इधर से उधर पीछे भगा रहा है उनको। ईजान चलो चलो हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ, चलो ठीक है, ऐसे ही बोल दो उसको, ईद मुबारक बोल दो उसको। किधर गया ईजान, ऐसे नहीं करते मम्मा, भाई लोग आए ना आपको ईद मुबारक मिलने के लिए, वो जैसे जैसे जा रहे हैं तो भाग के बेडरूम में आ गया, मतलब क्या उनको, ईजान को ऐसे लग रहा है कि वो ईजान की गाड़ी उसे छीन रहे हैं ना। ईजान ऐसे नहीं है, वो आपको मिलने के लिए आए हैं, चलो मिलो, चलो हाँ चलो मिलो, चलो ईद मुबारक करो, चलो ईजान को हाथ मिलो, हाथ ईद मुबारक। अरे वाह क्या क्या, अरे देखे देखे देखे, ईद मुबारक, चलो छोड़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिजनेस पूरा सेट हो गया है, और अभी तक जिसने भी हमारा वो व्लॉग नहीं देखा जिसमें हमने ये देखे पीछे अबाया का पूरा व्लॉग अपलोड किया है हमारे चैनल पे, उसमें पूरा डिटेल है आपको कैसे ऑर्डर करना है, और हमारा एक व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप ऑर्डर कर सकते हैं। और एक बात आप ध्यान रखें गाइज, वो हमारा नंबर नहीं है, क्योंकि पिछली बार उस पर बहुत सारे ऐसे इंक्वायरी आ रहे थे कि हमें सैम फरा से बात करना है, वो हमारे मैनेजर का नंबर है, वो हैंडल करते हैं, उस पर हम नहीं रहते हैं, तो वो हमारे लिए आपको कुछ वहाँ पे बताएंगे नहीं। अगर आपको बुर्का लेना है, बुर्के के रिलेटेड कुछ पूछना है, तो आप वहाँ पे व्हाट्सअप कीजिए, और हाँ सिर्फ उस पर तुम क्या बोले, हाँ अगर हमसे बात करना इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा आप व्हाट्सअप नंबर पे किया करें, वहाँ पे तुरंत ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और एक बात, उस पर ना कॉल मत किया करें, वो कॉल कोई रिसीव नहीं होगा, ना ही उस पर कुछ कॉल पे हम बताएंगे,
जिसको सच में बुर्का लेना है वही व्हाट्सअप कीजिए। और आप लोगों ने भी हमें बोला कि अगर आप अगर व्लॉग में अगर आप प्राइस भी बताओते तो अच्छा होता। तो इंशाल्लाह जो भी हमारा नेक्स्ट अभी व्लॉग आएगा, जब भी हम इस पे नया स्टॉक लगाएंगे, डिस्प्ले करेंगे, तो हम आपको विद प्राइस ही आपको बुर्का बता देंगे, ताकि आपको वहां पर ही पता चले, आपको बार बार मैसेज करना ना पड़े और आपको वेट करना ना पड़े। और ऑर्डर करने के लिए वो व्हाट्सअप नंबर है, उस पे जरूर जाके ऑर्डर करना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपको और आपकी फैमिली को हम तीनों की तरफ से ईद उल अधा मुबारक हो। ईद मुबारक हो, हम तीनों अभी रेडी हो। अल्लाह करे हम सबकी कुर्बानियाँ जो भी है वो सब कबूल हो, आमीन। और जो भी ये महीने में हज करते हैं, अल्लाह उनका हज भी कबूल करे, और हम सबको भी अल्लाह उमरा और हज करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो हो गए रेडी, देखिए फारा भी माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं आज, बरकत चलता है। ईद मुबारक। अरे हाँ, ईद मुबारक। इजाल, ईद मुबारक। इजाल इधर आओ, इधर आओ, चलो एक करो, हाथ करो इधर। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। चलो ईदी। अच्छा तो अभी ईदी चाहिए, पहले ईजान को दे दो ईदी, क्या आपको दे दो? नहीं, पहले फारा को दूंगा, उसके बाद ईजान को। ईजान आ जाओ इधर आ जाओ। ईजान जल्दी आ ईजान। और ये ईदी का राज मैं आपको आखिरी में बताऊंगा, पहले इनको ईजान है, देखो ईजान। एले ईजान, एले हेलो, ये दिखा, एले मेरे तरफ से भी पहले लेता है। हेलो इजान, मेरी तरफ से इजान को ईदी मिली। ये देखे गाइस, पैसे दे नहीं आ रहे हैं, देखो ये देखो क्या हालत कर दिया इसने, ये नोट की ईदी, क्योंकि आपने मेरे को परसों रख लेने दिए थे ना 1000 रुपीज, वही है क्योंकि मैंने अकाउंट में से अभी निकाला नहीं है, तो मेरे पास है नहीं। अरे गूगल ट्रांसफर, इसको देखो तेरे देखे कितना खुश हो गया, उसको दिखा कितने पैसे, वापस दे दिए मेरे बच्चे ने मुझे। देखिए कल हमने ईजान के लिए नए कपड़े लाए हैं, अभी हम साथ में लेकर जा रहे हैं, क्योंकि अगर पटानी वहाँ पर नहीं होती तो हम खोल देंगे और ये वाला पहना देंगे। ये फरा के पसंद का है, पैंट भी फरा के पसंद के, लेकिन पैंट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, और फरा शर्ट को, मतलब फरा ने शर्ट लिया और मैंने पैंट ले लिया। मज़ा आया, मैंने ही दिखाई ना लेकिन पहले। हाँ दोनों तो फरा ने ही दिखाए, लेकिन बहुत अच्छे कपड़े, अभी माशाल्लाह ईजान को पहनेंगे ना तो बहुत बहुत अच्छा लगेगा। अल्लाह ये उसको, ये मत दे, डॉलर मत दे, ले लो उसके हाथ में से, ले लो, किसका है वो? अभी दिया ना। अच्छा हाँ, उसको मत दे, उसको मत दे, मुंह में डालेगा वो। हाँ मुंह में डालेगा। हाँ ईजान ले लो, ईजान तब से पैसे दिए ना, तब से कभी वो कॉइन चाहिए उसको, मत दे, छुपा, कॉइन मत दो उसके हाथ में। हाँ चलो, इन बच्चों को भी ईदी हमने दे दी ईजान की तरफ से, अभी हम निकलते हैं, 3:30 हो गए, भूख भी लगी है, वहाँ पे सभी लोग वेट कर रहे हैं। फरा चलो जल्दी से जाते हैं, बारिश नहीं है ना? बारिश तो नहीं है, तो ईजान को लेते हैं अभी। वाओ फरा आपका कलर देखे कितना खुल गया है। फरा ने ना एक ब्लॉग भी बनाया है स्किन रूटीन का, मेकअप का काम नहीं, वो स्किन रूटीन का बनाया, उसमें पूरे प्रोडक्ट बताए हैं। देखिए टकला टकला हो गया, नुमान भी, दोनों भी, अरे गर्मी में करने का तो ठंडी, उसने वस्तरा करा, मैंने खाली जीरो मशीन मारा, बाल की कुर्बानी दी इन लोगों ने, है ना? कुर्बानी दी है। चलो ये देख, चलो जी आगे। अरे वो देख रहा है, उसको पता है। चलो तो हाँ, मैं बोल रहा था कि फरा ने एक स्किन रूटीन का व्लॉग बनाया है, व्लॉग रेडी है, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है, इसके बाद वही व्लॉग आएगा जिसमें उन्होंने हर एक चीज़ बताई है।
तो ये हम आ गए मेरे बहन के घर पे, और आते ही हम थोड़ी देर बैठे थे बातें करते, फिर उसके बाद लग गई भूख तो हम बैठ गए खाने को। और आज खाने में देखिए बना है दालचा चावल। दालचा तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, ये बकरे का दालचा था, लेकिन फौरा बकरे का गोश्त खाते नहीं, इसलिए देखिए उनके प्लेट में गोश्त ही नहीं है, बट मैं थोड़ा थोड़ा खाता हूँ, लेकिन दालचा बहुत अच्छा बना था। मेरे बहन के घर पे से होके हम आए थे सिटी में ईजान की थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए, लेकिन फिर से बारिश स्टार्ट हो गया तो शॉपिंग तो हो नहीं रही है। उसमें ये पटानी पहन के ईजान को लेके घूमने भी मेरे को नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत हेवी वाला है। और अभी हमने लिया है सैंडविच, यहाँ पे रुक के सैंडविच खा रहे हैं, फिर अभी यहाँ से निकलते हैं घर पे, क्योंकि अगर थोड़ा हम लेट करेंगे ना। सो हम घर पे आ गए हैं और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। हम लोग ने ये छाता भी ले लिए और मेरे लिए चप्पल भी लियो मैंने, क्योंकि बारिश में ना चप्पल अक्सर टूट जाती है, निकल जाती है, ख़राब हो जाती है। इसके लिए मैंने एक बारिश के लिए अलग से चप्पल लियो। जब भी अभी पूरा मानसून का सीज़न मैं वही चप्पल फिर पहनूंगी, अगर बारिश वगैरह आ रही होंगी तो, या फिर मैं कैरी करके वो डिक्की में रख के दूंगी, ताकि कभी भी बारिश आए तो ये निकाल के वो पहन लो। पहले भी मैं ऐसे ही करती थी जब मैं कॉलेज जाती थी। तो चलो ये बात को अभी साइड में रखते हो। और आज गए थे हम समीर के सिस्टर के घर पे, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा और इतना टेस्टी दालचा खाना बनाया था ना, दिल खुश हो गया। मैंने तो बहुत खाई पेट भर के, समीर ने भी खाए, ईजान को भी पसंद आया, बहुत टेस्टी बना था। तो वो हो गया, और फिर वहाँ से अम्मी के घर पे भी जाना था, बहुत मन था। पहली ईद है जो अम्मी के घर पे नहीं गई हूँ, कोई बात नहीं, चलो अभी बारिश है, समझ सकती हूँ मैं। मैंने सोची थी कि समीर को मैं बोलूँ उधर जाने के बाद कि समीर चलो जाके आते हैं, क्योंकि ईद के टाइम पे हमें अब्बा से नहीं मिलना, थोड़ा अलग लगता है, पर बारिश बहुत थी तो रिस्क नहीं ले सकते थे, थोड़ा दूर भी था और ईजान भी थोड़ा नरम गरम था, मतलब थोड़ी सी उसको हल्की सी बुखार मुझे महसूस हो रही थी, इसके लिए फिर मैंने रिस्क ही नहीं ली। मैं बोली नहीं जाने दो, ठीक है हम रहते हैं घर पे, अम्मी अब्बा ही अगर जमा तो आएंगे या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ से इतना जो होता है ना, तो हम लोग वापस रिक्शा वगैरह भी करके आधे रास्ते से आ सकते, वो बोले तो बहुत दूर हो जाता है। तो चलो कोई बात नहीं, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। वापस से एक बार हम तीनों की तरफ से आप सभी को बकरा ईद मुबारक हो।